हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल बंसल बायोलॉजी इन टूडेज टू लर्न अबाउट रास मैप काइनीज पाथवे इट इज अ पार्ट ऑफ आरटी केग्नलिंग पाथवे हमने बहुत सारे लेक्चर्स वीडियोज देख लिए हैं सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड आज जो है हम देखने वाले हैं रास मैप सिग्नलिंग के बारे में अगर आपने सेल सिग्नलिंग के बेसिक वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए फिर ये वीडियो देखिएगा तो कॉन्सेप्ट्स आपको ऑब्वियसली क्रिस्टल क्लियर होके समझ में आएगा अगर हम यहाँ पे रास मैप पाथवे की बात करें तो ये जो पाथवे है ये बेसिकली होता ही क्यों है कोई सेल इस पाथवे में जाता ही क्यों है वो इसके लिए होता है अगर सेल को ग्रोथ करनी है या फिर हम बोल सकते हैं अगर सेल को डिवाइड करना है ठीक है अगर हम बोल सकते हैं कि सेल को जाना है डिवीजन, तो उस कंडीशन में सेल क्या करेगा सेल ये वाली कंडीशन करेगा मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर किसी भी सेल को कुछ भी करना है तो वो ऐसे नहीं है आज उसका मन किया तो वो बोलेगा कि चलो हम डिवाइड होते हैं चलो हम ग्रोथ करते हैं ऐसा नहीं होता है प्रॉपरली राइगेंट मॉलिक्यूल्स आते हैं वो रिसेप्टर मॉलिक्यूल से बाइंड होते हैं और फिर ही जो पूरा एक कैस्केट चलता है सिग्नलिंग के उसी के बाद सेल डिसाइड करता है कि अच्छा ठीक है मुझे आज ये करना है मुझे सेल को डिवाइड करना है तो इसके लिए हमें चाहिए रास मैप काइनेस पाथवे देखो काइनीज पाथवे काइनीज का मतलब मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है काइनीज का मतलब होता है फॉस्फोराइलेट करना किसी भी चीज़ को किसी भी मॉलिक्यूल को क्या करना फॉस्फेट ग्रुप देना फॉस्फोराइलेट करना और यहाँ पे आर टी के मतलब क्या होता है आरटी के सेल सिग्नलिंग हम देख रहे हैं तो आरटी के मतलब होता है रिसेप्टर टाइरोसिन काइनीज यानी कि यहाँ पर जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल होगा उसके पास काइनेस प्रेजेंट और वो काइनेस किसको फॉस्फोराइलेट कर रहा है टाइरोसिन को फॉस्फोराइलेट रहा है यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन कौन से अमाइनो एसिड का होगा टाइरोसिन अमाइनो एसिड का होगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर हम यहाँ पर इसके बारे में सेल सिग्नलिंग के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर वंस अगेन हमारे पास प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाले रीजन को बोलते हैं हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन और इंटीरियर वाले रीजन को बोलते हैं इंट्रा सेल्युलर यहां पर सबसे पहले क्या आएगा यहां पर सबसे पहले लाइगेंड आएगा जो कि कई किसी और सेल ने रिलीज किया है यहां पर सबसे पहले आया लाइगेंड ये लाइगेंड कैसा होगा ग्रोथ फैक्टर लाइगेंड होगा जो कि डिवीजन करवाना चाहता है फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कंसीडर कर लू यहां पर आया है एपीडर्मल ग्रोथ फैक्टर एपेडोमल ग्रोथ फैक्टर क्या मैसेज लेकर आया कि भाई सेल को डिवाइड करो डिवीजन होने की बहुत ज्यादा जरूरत है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स ये है रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। इस पे आके बाइंड होगा ये जो लाइगेंड है इस पे आके हो जाएगा बाइंड जैसे ही यहां पर रिसेप्टर आके बाइंड होगा सॉरी लाइगेंड आके बाइंड होगा इस रिसेप्टर का क्या हो जाएगा इस रिसेप्टर का हो जाएगा डाइमराइजेशन डाइमराइजेशन यानी कि दोनों क्या कर लेंगे पेर अप कर लेंगे बोथ विल बी अप पेयर अप हो जाएंगे तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा यहां पर देखो ये वाला जो एंड होता है ना इस रिसेप्टर का इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक एंड क्योंकि ये साइटोप्लाज्म की तरफ है तो यहां पर ये यह जो साइटोप्लाज्मिक वाला एंड है ये हो जाएगा एक्टिव एक्टिव इन देंस कि इसके पास एक active हो, activity हो जिसको बोलते हैं किसके पास ही एक्टिव वो, वो क्या करेगी कि यहां पर ये जो साइटोप्लाज्मिक एंड है उस पर जो टाइरोसिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है टाइरोसिन को हम वाइस सिंबलाइज करते हैं टाइरोसिन अमाइनो एसिड है उसको कर देगा फॉसफोराइलेट यहाँ पर ध्यान से सुनो कि ये जो रिसेप्टर है इसके साइटोप्लाज्मिक एंड पे कौन सा डोमेन प्रेजेंट है काइनेज डोमेन प्रेजेंट है उसी काइनेज डोमेन ने क्या किया है टाइरोसिन का फॉस्फोराइजेशन किया है वंस टाइरोसिन का फॉस्फोराइजेशन हो चुका है तो अब ये वाला जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है ये बिल्कुल तैयार है किसी और को एक्टिवेट करने के लिए अब ये पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है अब ये किसी और को एक्टिव करने के लिए बिल्कुल तैयार है तो यहां पर क्या आएगा यहां पर एक और प्रोटीन की एंट्री होगी जिसको बोलते हैं जी आर बी प्रोटीन जी आर बी प्रोटीन के अगर मैं यहां पे फुल फॉर्म लिख लू तो फुल फॉर्म होती है ग्रोथ रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन फैक्टर प्रोटीन फैक्टर ऐसा प्रोटीन जो कि क्या कर रहा है जो कि रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है और क्या करवाएगा ग्रोथ करवाएगा यहां पर इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीआरबी और इसकी दो डोमेन्स होती हैं टोटल एक डोमेन होती है जिसका नाम होता है एसेच टू डोमेन एक डोमेन होती है एसेज टू डोमेन जो कि किससे आके बाइंड करेगी फॉस्फोराइलेटेड टाइरोसिन से आके बाइंड करेगी और जो इसकी दूसरी डोमेन होती है उसको बोलते हैं एस एच थ्री डोमेन जो कि क्या करेगी जो कि किसी और से बाइंड करेगी और इस टोटल को बोलते हैं जी आर बी प्रोटीन राइट नाव वॉट विल हैपन दिस जी आर बी गॉट एक्टिवेटेड ये जी आरबी क्या हो गया ये भी एक्टिव हो गया इसने, किस से binding कर ली? इसने कर ली टाइरो के साथ बाइंडिंग अब यहां पर क्या होगा इसका काम है किसी और को एक्टिव करना तो यहां पर अब किसकी एंट्री हो जाएगी यहां पर एंट्री हो जाएगी एसओ एस की एसओ एस क्या है एसओ एस भी प्रोटीन है इसका वैसे फुल फॉर्म होता है सन ऑफ सेवन ये जो प्रोटीन है ऐसा होमोलोगस प्रोटीन रोसोफिला में फाइंड आउट होता है उस हिसाब से इसका नाम रखा गया है इसका नाम क्या है सन ऑफ सेवन सेवननेस यहां पर इसकी स्पेशलिटी क्या है ऐसो की एक स्पेशलिटी है कि इसके पास होती है गैफ एक्टिविटी अब ये गैफ़ एक्टिविटी क्या है अगर आपने प्रीवियसली सेल सिग्नलिंग के वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है व्हाट इज गैफ एक्टिविटी गैफ एक्टिविटी इज क्वान न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर ये क्या होता है बहुत सिंपल सा ये किसी प्रोटीन से रिमूव करवा देगा जीडीपी को और उस प्रोटीन में जीटीपी को आड़, आड़ कर देगा समझो यहां पर कोई एक्स प्रोटीन है इस एक्स प्रोटीन के पास क्या प्रेजेंट है इस एक्स प्रोटीन के पास जी टी प्रेजेंट है तो ये जो है ये सन ऑफ सेवननेस क्या करेगा इस जी को तो करवा देगा रिमूव और इसकी जगह ये यह, यहाँ पे किसकी एडिशन करवा देगा यहाँ पे ये यह एडिशन करवा देगा जीटीपी की नाम से ही पता चल रहा है ग्वान न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर इसने क्या किया एक्सचेंज किया एक हाथ से निकाल दिया और एक हाथ से ऐड कर दिया यहाँ पे सन और सेवननेस सी बात है कि किसी चीज का एक्टिवेशन कर रहा होगा किसी चीज को जीटीपी देगा कोई एक्स प्रोटीन है यहाँ पे तो इसकी बेसब्री से इंतजार में कौन बैठा होता है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इसके इंतजार में बैठा होता है ग्रास प्रोटीन ये कैसा एक रास्ट प्रोटीन है इसको जी प्रोटीन भी कहते हैं ये कैसा है ये है मोनोमेरिक जी प्रोटीन क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही सब यूनिट है तो एक सब यूनिट है तो मोनोमेरिक इसको क्या बोला जाता है मोनोमेरिक जी प्रोटीन जी प्रोटीन क्यों क्योंकि ये किससे बाइंड हो रहा है जी से या जी से ये क्या होगा ये जी से बाइंड होगा नॉर्मली ये जी से बाइंड होगा और किस फॉर्म में होगा ये इनएक्टिव फॉर्म में ये फिलहाल एक्टिव फॉर्म में नहीं आया लेकिन अब क्या होगा अब जैसे ही यहां पर इसकी बाइंडिंग हो जाएगी यहां पर क्या हुआ रास ने आके इधर बाइंडिंग कर ली जब रास ने आके इधर बाइंडिंग कर ली तो इसने यहां पे अब आ जाएगा जी टी पी यहां पे ये यह जो जी डी पी है ये निकल जाएगा और कौन आ गया जी टी पी आ गया किसने करवाया एस ओ एस ने करवाया यहां पर अब ये किस फॉर्म में आ चुका है ये आ चुका है एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट अब यहाँ पे रास जो है वो हो चुका है एक्टिवेट जो हमारा जी प्रोटीन है वो हो चुका है एक्टिवेट तो अब हमारी सेल सिग्नलिंग अगर हम आगे देखें अगर मैं थोड़ा सा रास को इधर लिख दूँ यहाँ पे लिख देती हूँ मैं और ये है इससे बाइंड हुआ हुआ जी टी पी एक्टिव फॉर्म है अब ये खुद एक्टिव है तो ये किसी और को एक्टिव करवा देता है तो यहाँ पर एक्टिव होने के लिए कौन आएगा यहाँ पर एक्टिव होने के लिए आएगा राफ प्रोटीन राफ प्रोटीन जो था इनएक्टिव था यहाँ पे आ रहा है राफ प्रोटीन जो कि कैसा था इनएक्टिव था लेकिन वो एक्टिव होने के लिए आ गया इसके पास इससे जब इसने बाइंडिंग की तो ये हो गया एक्टिव दिस कॉट एक्टिव अब एक बार राफ एक्टिव हो जाएगा तो इसके पास क्या कैपेबिलिटी है इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि किसी और को एक्टिव कर सके सबका काम क्या है सबका काम है एक एक करके किसी ना किसी को एक्टिवेट करना तो यहाँ पर ये क्या करेगा ये किसी और को एक्टिवेट करेगा ये जिसको एक्टिवेट करते हैं उसका नाम होता है मैक सो so यहाँ पर इसने एक्टिवेट कर दिया मैक को मैक कैसे आ रहा था मैक आ रहा था इनएक्टिव फॉर्म में ये किस फॉर्म में आया इनएक्टिव फॉर्म में आया और इसको कर दिया इसने एक्टिव कैसे किया दो मिनट में देखेंगे अभी हम थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं ये मैक क्या करेगा ये मैक अब किसी और को एक्टिव करेगा यहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में कौन आएगा यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में आएगा ई आर के नाम का प्रोटीन रणबीर कपूर से आप याद रख सकते हो ई आर के नाम का प्रोटीन आएगा जिसको कौन एक्ट कर देगा जिसको ये मैक जो है एक्टिवेट कर देगा और ये हो जाएगा एक्टिव ये क्या हो गया एक्टिव हो गया यहां पर ये जो ई आर पढ़ रहे हो यही है वो मैप जो हम इतनी देर से बोल रहे थे ना यही एक्ट करता है यानी कि क्या करेगा किसी को फॉस्फोराइलेट करेगा इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि, कि किसी को फॉस्फोराइलेट कर सके यहाँ पे किसको फॉस्फोराइलेट करेगा विल जस्ट सीन अ मोमेंट यहां पे मेक ने क्या किया यहां पे मेक ने मैप को एक्टिवेट किया और मैप काइनेस को एक्टिवेट किया इसलिए मैक को क्या बोलते हैं मैक को बोलते हैं मैप काइनेस काइनेस यहां पे आपको कितने काइनेस लगा देने हैं दो काइनेस लगा देने मे बी यू आर नॉट एबल टू सी सो मैं नीचे लिख देती हूं यहां पर ये क्या होता है ये होता है मैप काइनेस काइनेस दो के हैं इसके पास ऐसे ही मैप काइनेस काइनेस मैक के तो मैक को किसने एक्टिवेट किया मैक को एक्टिवेट किया राफ ने तो मैं राफ को क्या बोल सकती हूँ मैं राफ को बोल सकती हूँ मैप काइनेस 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 तो ये क्या होता है ये ट्रिपल काइनेस है ये डबल काइनेस और ये सिंगल काइनेस है इतना बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखता एक के बाद एक ये एक्टिवेट करेंगे अब ये जो मैप काइनेज होते हैं ये जो हम पूरी सीरीज देख रहे हैं ये कैसी होती है ये स्टेरिन थ्रियोनिन काइनेज है यहाँ पे हमारा जो रिसेप्टर था वो कैसा काइनेज था टाइरोसिन काइनेज। लेकिन यहाँ पे ये पूरा जो पाथवे चल रहा है ये कैसा है ये वाले हैं सेरिन काइनेज। सेरीन काइनेज एंड थ्रियोनिन काइनेज ड्यूअल एक्टिविटी है दोनों को ये क्या कर सकते हैं दोनों को ही ये एक्टिवेट कर सकते हैं तो यहां पर अगर हम देखें इधर आगे इफी मूव तो यहाँ पे ये भी कैसा है ये भी सेम है तो यहाँ पर इसके सेन पे ऐड किया गया है फ़ास्फेट ग्रुप सिमिलरली इसके भी सेन पे ऐड किया गया है फॉस्फेट ग्रुप ये भी सेरिन थ्रियोन काइनेज है ये भी सैरीन थ्रियोनिन काइनेज है और ये भी सेरिन थ्रियोनिन काइनेज है यानी कि आगे वाला जो प्रोटीन होगा उसके सेरीन या थ्रियोनिन अमाइनो एसिड पे एक फॉस्फेट ग्रुप को डोनेट किया जाएगा इतनी बात अब अच्छे से ध्यान रखना उसके सेरिन या थ्रियोनिन अमाइनो एसिड पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाएगा अब यहां पर इस ई आर के का काम क्या होगा ये ई आर के एंटर करेगा न्यूक्लियस में इस ई आर के का काम क्या होगा इस ई आर के का काम का होगा कि ये एंटर करे न्यूक्लियस में आई विल इरेज ऑल दिस सो दैट इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑन अ सिंगल पेज तो यहाँ पर अब इसने क्या किया इसने एंट्री मारी न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में एंटर होने के बाद इसका बेसिकली काम क्या है इसका सिर्फ इतना सा काम है कि ये किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करे हर एक प्रोटीन का यही काम होता है अगर वो एक्टिवेटेड है तो उसको सेल सिग्नलिंग में उसको यही करना है तो ये ई आर के जो कि एक्टिवेटेड है इसके पास फॉस्फेट ग्रुप है ये एक्टिवेट कर सकता है बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को जैसे कि हम यहाँ फैक्टर की बात करें तो वो होते हैं फॉस जून एंड मिक इन तीनों को क्या करेगा एक्टिवेट कर देगा एक्टिवेट करेगा यानी कि इन तीनों का जो सेन या थ्रियोनिन अमाइनो एसिड है उधर ऐड कर देगा फॉस्फो फॉस्फेट फौस्व, ग्रुप ये सब कैसे होते हैं ये सब होते हैं ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर ये सारे कैसे हैं ये सारे हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वंस इन सब में हो गया फॉस्फोराइलेशन ये सारे हो चुके हैं फॉस्फोराइलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, का काम क्या होता है बहुत सिंपल सा डीएनए के पास जाएंगे प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड होंगे प्रमोटर रीजन पे बाइंड होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाएंगे इनका बेसिक अब बहुत सिंपल मैं लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको मॉल बायो में डिटेल पढ़ने को पड़े मिलेगा बट ये क्या करेंगे ये गए डीएनए के पास डीएनए में स्पेसिफिक जीन के पास जाएंगे ये जैसे कि यहाँ पर अगर हम करें तो साइक्लिन जीन के पास जाएंगे और सी के जीन के पास जाएंगे किसके पास जाएंगे साइक्लिन जीन के पास और सी के जीन के पास इन दोनों का करवा देंगे ये ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन तो यहां पे हमें मिल जाएगा साइक्लिन एंड सी डी के आर एन ए और उन आर एन ए का बाद में मिल जाएगा हमें प्रोटीन तो बेसिकली साइक्लिन और सी डी के नाम से पता चल रहा है कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ये सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे इसीलिए हमने ये पूरा पाथवे करके इनको बनवाया है नहीं तो कोई तुक नहीं बनता इनको बनवाने का हमने इनको इसलिए बनवाया क्योंकि ये क्या करेंगे ये साइक्लिन और सी के सेल का डिवीजन करवाएंगे ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल के डिवीजन के लिए अब अगर हम आगे देखें तो हम इस पाथवे को ऐसे ही ऑन नहीं रख सकते अगर हमने इस पाथवे को ऑन रखा तो ट्यूमर हो सकता है ऑब्वियसली है ट्यूमर हो जाएगा तो हमें इस पाथवे को किसी ना किसी पार्ट पे रोकना पड़ेगा किसी ना किसी पाथ पे स्टॉप करना पड़ेगा तो बेसिकली होगा क्या वंस यहाँ पे रास ने ये पाथवे शुरू कर दिया है तो यहाँ पर कुछ और प्रोटीन्स आ जाते हैं जैसे कि एक प्रोटीन का नाम है गैप प्रोटीन मेनली ये वाला प्रोटीन आता है जिसका नाम होता है गैप प्रोटीन जिसकी फुल फॉर्म क्या है जी टी पी एस एक्टिवेटिंग प्रोटीन इसकी फुल फॉर्म क्या होती है जी टी पी एस एक्टिवेटिंग प्रोटीन ये जी टी पी एस एक्टिवेटिंग प्रोटीन क्या करता है ये जी जी टी पी को तोड़ देगा जी डी पी में जी टी पी एस है ना पी एस मतलब जी टी पी को तोड़ेगा तो यहां पर ये जो हमारा रास प्रोटीन है उसके पास जो जीटीपी प्रेजेंट है उसको तोड़कर में कन्वर्ट कर देगा जी डी पी में कन्वर्ट कर देगा ये ब्रेक करता है रास का जी टी पी इन टू जी डी पी अगर यहां पर ये ब्रेकेज हो गई तो ऑब्वियस सी बात है क्या नहीं कर पाएगी पूरी जो सिग्नलिंग है यही पे बंद हो जाएगी क्योंकि राफ जो है वो रास के इनएक्टिव फॉर्म में आके बाइंड नहीं करता है तो इस तरीके से हमारा जो नॉर्मल सेल है वो रेगुलेट कर सकता है सिग्नलिंग को वो क्या कर सकता है वो रेगुलेट कर सकता है सिग्नलिंग को गैप के थ्रू पर यहाँ पर क्या हो सकता है यहाँ पर कुछ ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है कॉज हो सकते हैं सब म्यूटेशंस कैन अकर फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो रास है वो म्यूटेटेड हो गया रास जो है म्यूटेटेड हो गया तो इस म्यूटेशन की वजह से जो जी टी पी एज है यानी कि जो गैप है वो अपना काम ही नहीं कर पा रहा है वो यहाँ पर आके जी टी पी को जी डी पी में ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है अगर वो यहाँ पर जी पी को जी डी पी में ब्रेक ही नहीं कर पाएगा तो रास जो है वो कंटिन्यूसली बाइंड रहेगा फॉस्फेट से जिसकी वजह से जो सिग्नलिंग होगी वो कंटिन्यू चलती रहेगी सिग्नलिंग को स्टॉप नहीं कर पाएंगे हम और सिग्नलिंग चलती रहेगी कंटिन्यू एंड दैट कैन लीड टू अ ट्यूमर इसकी वजह से क्या हो सकता है ट्यूमर हो सकता है तो ये कुछ रीजंस होते हैं या फिर क्या हो सकता है यहाँ पर जो रिसेप्टर है एक और चीज़ क्या हो सकती है कि जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है उसमें गेन ऑफ फंक्शन हो गया गेन ऑफ फंक्शन यानी कि जब उससे लाइगेंड आके बाइंड किया तब उसने अपने फंक्शन को गेन कर लिया और वो कंटिन्यूअसली सिग्नल जो है पहुंचाए जा रहा है सेल में पहुंचाए जा रहा है पहुंचाए जा रहा है जिसकी वजह से सेल कंटिन्यूसली एक्टिविटी कर रहा है गैप बार बार जीटीपी को जीडीपी जी में तोड़ रहा है लेकिन फिर से एस एस आके उसको एक्टिवेट कर रहा है तो ये कंटिन्यूसली हो रहा है जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है ट्यूमर कॉज हो सकता है तो यहाँ पर ये कुछ रीजंस होते हैं ट्यूमर कॉज होने के और ये होती है आ, रास मैप काइनेस पाथवे आई होप आपको ये सिग्नलिंग बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी यहाँ पे बहुत ही सिंपल पाथवे है सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डोंट फोर गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव थैंक यू सो मच गाइज बाय